हेलो दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं जो कि एक बंदे को आसानी से अपॉर्चुनिटी को रिकगनाइज करने में या हेल्प देते हैं, या तो फिर उसको ऐसा बना देते हैं कि वो आसानी से जो है अपॉर्चुनिटी को रिकगनाइज कर लेता है या फाइंड कर लेता है। ठीक है, सो करेक्टरिस्टिक ऑफ सम पीपल विच हेल्प देम टू रिकगनाइज अपॉर्चुनिटी फास्टर देन अदर्स। ठीक है, सो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है प्रायर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस सॉरी नॉट एक्सपीरियंस प्रायर एक्सपीरियंस। ठीक है, बाय वर्किंग इन इंडस्ट्री वन कैन आइडेंटिफाई अ मार्केट गैप। ठीक है, मार्केट गैप मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मार्केट गैप बेसिकली एक मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है कि और उस ग्रुप ऑफ पीपल को एक प्रोडक्ट की नीड होती है। ठीक है, जो कि प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इस शेप में ही है, इस तरीके से नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल उसको यूज कर सकें। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, आपने इस गैप को आइडेंटिफाई करना होता है और फिर आपने उस शेप में उस प्रोडक्ट को लेकर आना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो ये होता है मार्केट गैप। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे लोग जो है वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये चीज काफी हेल्प देती है कि वो उनका जो प्रायर एक्सपीरियंस होता है, जैसे लेट्स सपोज एक बंदा है उसको वो बैंकिंग में करता है, मतलब बैंकिंग में काम करता था पहले, तो उसको पता होगा कि बैंकिंग किस तरह फंक्शन करती है। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज के उसको पता चला कि भाई एक बैंकिंग में काम कर रहा था, उसको पता चला कि भाई बैंक जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को सर्व नहीं करती। ठीक है, फिर वो जब जाएगा देखेगा कि क्या उस पर्टिकुलर ग्रुप को ऐसी नीड है फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो फिर वो उसके लिए भी फाइनेंशियल सर्विसेज लेकर आएगा, वो भी ऐसे फॉर्म में कि वो जो उसको समझ सकें या तो फिर वो उसको खरीद मतलब उसको ले सकें। ठीक है, उन फाइनेंशियल सर्विसेज को ले सकें। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है ये मतलब ये करेक्टरिस्टिक्स हेल्प देता है एंटरप्रेन्योर को कि वो अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, दूसरा है कॉग्निटिव फैक्टर। ठीक है, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो ए कॉग्निटिव प्रोसेस। सम पीपल हैव सिक्स सेंस विच इस अलर्टनेस फॉर्मली मीन्स एबिलिटी टू नोटिस थिंग्स विदाउट डेलिबरेट रिसर्च। ठीक है, डेलिबरेट कहते हैं पर्पजफुल रिसर्च को। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका कॉग्निटिव फैक्टर ही ऐसा होता है कि वो काफी अलर्ट होते हैं। ठीक है, वो देख रहे होते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या खरीदते हैं। ठीक है, लोग किस चीज में इंटरेस्टेड है, क्या चीज लोगों को प्रॉब्लम देती है या क्या चीज जो है काफी प्रॉब्लमेटिक है और या कौन सी सी चीज है जिसका सॉल्यूशन आ तो गया लेकिन इस तरीके से नहीं आया। सो उनकी अलर्टनेस उनको हेल्प करती है कि वो जो है वो एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं विदाउट एनी डिलिबरेटली सर्चिंग इट। ठीक है, वो मतलब पर्पसली इस रिसर्च पे नहीं निकलते कि हम जो है वो इस चीज के अंदर जो है अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, उनको बस नजर आ जाती है। ठीक है, इनकी सिक्स सेंस के अंदर यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर ये होता है। ठीक है, कॉग्निटिव कहते हैं दिमागी प्रोसेस। ठीक है, तो दिमागी प्रोसेस के अंदर ये ऑलरेडी इनके होता है और ये लोग जो है वो नई चीजें तलाश करते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, या एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, उनका माइंडसेट ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर सोशल नेटवर्क। हैविंग प्रोफेशनल नेटवर्किंग एक्सेस insight about trend which help them to recognize opportunity most of which comes from weak ties rather than strong ties। ठीक है, अब देखो सोशल नेटवर्क यानी कि वो उन लोगों का जो सोशल नेटवर्क यानी कि काफी वो लोग सोशलाइज होते हैं, उनके पास काफी सारे फ्रेंड्स होते हैं, उनके सब सबके साथ जो वो काफी टॉकेटिव होते हैं। ठीक है, टॉकेटिव होते हैं, वो काफी मतलब बातचीत करते रहते हैं उन लोगों के साथ और फिर उनसे जो है उनको इनसाइट्स मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में। ठीक है, और फिर इनसाइट से वो जो है ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो लोग कहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती हैं या तो उन लोगों से मिलती है जो कि आपके क्लोज हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वीक टाइज होती हैं वो आप उन लोगों से रखते हो। बेसिकली वीक टाइज और स्ट्रॉन्ग टाइज का मतलब होता है कि वीक टाइज आप वो लोग जिनसे आप जो है रोज डेली आप उनसे उनकी आप मतलब आपकी बातचीत ना हो उन लोगों से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टाइज वो होती हैं जो कि आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, जो कि लाइक माइंडेड होते हैं और फिर आप जो है उनके बारे में सब कुछ जानते हो। ठीक है, तो ज्यादातर जो अपॉर्चुनिटी या जो आइडिया मिलते हैं वो आपको उन लोगों से मिलते हैं जो कि आपसे
कब कभी कभार मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो उनके बारे में इतने ज़्यादा जानते नहीं हो, ठीक है। जैसे लेट सपोज एक एक बंदा है, ठीक है, उसने जो है वो हर उसने जो बड़ी बिल्डिंग ली हुई है और जगह पे उसने स्प्लिट एसी लगाया हुआ है, ठीक है। अब उसको सेंट्रलाइज एसी के बारे में नहीं पता, तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी स्प्लिट एसी खराब हो गई, तो वो एसी वाले को बुला के लेके आया, फिर एसी वाले ने उसको सेंट्रलाइज एसी का बताया, ठीक है। तो एसी वाला क्या है, एसी वाला जो है वो वीक टायर्स के अंदर आता है, स्ट्रांग टायर्स के अंदर नहीं आता, ठीक है। स्ट्रांग टायर्स के अंदर उसके जो है कुछ कोवर्कर्स थे और उनको वर्कर्स को भी कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। तो जो स्ट्रांग टायर्स के अंदर जो आपकी स्ट्रांग टायर्स के अंदर जो आता है या जो आपकी क्लोज होता है वो बेसिकली आप जैसा ही होता है, यानी कि लाइक माइंडेड होता है और आपको जो हर चीज पता होती है उसके बारे में, ठीक है, उसके थिंकिंग पैटर्न्स, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो आपको नई अपॉर्चुनिटी या नया जो जैसे नहीं कहते हैं कि नया टिप, ठीक है, नया टिप या नई अपॉर्चुनिटी एक एक ऐसे बंदे से मिलती है जो कि आपकी वीक टायर्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सोशल नेटवर्क, और जाहिर सी बात है आपकी जो नेटवर्किंग जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ज़्यादा जो आपको इनसाइट्स मिलेंगे, ठीक है, और अब इनसाइट्स को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज में, ठीक है। फिर आखिरी है क्रिएटिविटी, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग आइडियाज, कि अब जैसे इलन मस्क जो है वो मतलब उसका एक इंटरव्यू था मैंने देखा था, तो वो बोलता था कि मेरे दिमाग में जो है फ्रिक्वेंटली आइडियाज आते रहते हैं, ठीक है, तो दिस इज अ क्रिएटिविटी, ठीक है। सो ये भी एक तरीके से क्रिएटिविटी है कि वो आइडिया बार बार जो उसके दिमाग में जनरेट होते जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज क्रिएटिविटी, एंड क्रिएटिविटी से जाहिर सी बात है अगर आपको कोई भी आइडिया जो है हिट कर जाता है कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट को या कोई भी ऐसे मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स को जो कि मतलब आपके आइडिया पे जो पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए, देन और वो आइडिया जो है काफी मतलब अच्छा भी हो, सो दैट देन दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो दिस कैन ब्रिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग सोशल चेंज, और अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग चेंज, सम काइंड ऑफ चेंज, ठीक है, या आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। जैसे एलन मस्क की अगर हम फिर से एग्जाम्पल ले लें, तो एलन मस्क जो है वो स्पेस एक्स और टेस्ला पे सिर्फ इसीलिए काम नहीं करता कि जो है वो पैसा कमा सके, ठीक है, उसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, उसका मेन मोटिव है कि वो मार्स पर जाना चाहता है और फिर वहां पे मार्स को कॉलोनाइज करना चाहता है, ठीक है। सो दिस इज हिज मेन मोटिव, ठीक है, मेन मोटिव उसका मतलब कि वो कोई मॉनेटरी पर्पस के लिए नहीं कर रहा है ऐसा, ठीक है। सो क्रिएटिविटी के कुछ स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले आप प्रिपेयर करते हो कि भाई हाँ भाई कि मुझे जो है वो कोई आइडिया लेकर आना है, ठीक है। फिर आप जाते हो इंक्यूबेशन, ठीक है, इंक्यूबेशन यानी कि ये प्रोसेस होता है आइडिया जनरेट करने का, आइडिया क्रिएट करने का, या आइडिया फाइंड करने का, ठीक है। वैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स भी होते हैं, हर सिटी में होता है, कराची यूनिवर्सिटी में भी एक इंक्यूबेशन सेंटर्स है, वहाँ पे लोग आते हैं, डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, और वो जो है वो गेट टुगेदर करते हैं, और फिर फोकस ग्रुप्स होते हैं, फिर या तो फिर वो ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते हैं, कोई ना कोई आइडिया जनरेट करते हैं, ठीक है। और जो आइडिया हिट कर जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट को, वो आइडिया उस आइडिया की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है, वहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट भी आते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स में इन्वेस्टर्स आते हैं, ठीक है, और वो जो है वो मतलब आइडिया की तलाश में या न्यू स्टार्टअप की तलाश में, ठीक है। फिर यहाँ पे यूरेका, ठीक है, यूरेका कहते हैं, यूरेका जो अगर आप इसका मीनिंग ढूंढोगे गूगल पे, तो इसका मीनिंग है कई शॉर्ट ऑफ जॉय, ठीक है, यानी कि जब आपको कोई आइडिया मिल जाता है या दिमाग में आ जाता है तो आपकी एक फीलिंग क्रिएट होती है, ठीक है, आप काफी एक्साइटेड हो जाते हो, तो यूरेका उसी फीलिंग को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइडिया कंसीव हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है, उसकी सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल गया, अगर नहीं मिल गया तो देन यू हैव टू गो टू द प्रिपरेशन स्टेज एंड या और टू द इनक्यूबेशन सेंटर्स, ठीक है, इनक्यूबेशन स्टेज जहाँ पे आप आइडिया फाइंड आउट करना शुरू कर देते हो, ठीक है। देन यू इवेल्युएट द आइडिया, ठीक है, आप उसके बाद जो इवेल्युएशन का प्रोसेस आता है और फिर आप जो आइडिया इवेल्युएट करते हो, देखते हो कि उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हो, देखते हो कि भाई क्या वो आइडिया फिजिबल है, मार्केट में है नहीं है, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में, मैं जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ उनका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा, या लोग किस तरह क्या सोचेंगे हम मेरे प्रोडक्ट के बारे में यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की एनालिसिस करना या फोरकास्टिंग करना या फिजिबिलिटी एनालिसिस करने को हम कहेंगे कि इवेल्युएशन करना, ठीक है। फिर एलिबोरेशन यानी कि उसको और ज्यादा डिटेल देना, ठीक है, यानी कि जब इवेल्युएशन हो गई, वो कामयाब हो गया, फिर आप जो उसको और ज्यादा डिटेल देते हो, फिर आप जो उसकी उस अगर वो प्रोडक्ट है तो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हो, सर्विस है तो उसे देना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।